नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट श्रद्धा वालकर के केस को लेकर आया है। बता दें कि जहां एक और आफताब इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उससे पूछताछ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तिहाड़ जेल की जिस सेल में आफताब को रखा गया है, वहां पर उसके साथ दो और कैदी हैं। बता दें कि उन कैदियों के भी बयान लिए जा रहे हैं कि आखिरकार आफताब क्या कुछ उनसे बात कर रहा है। और अब यहां पर अगर बात करें तो आज जो उस वक्त श्रद्धा वालकर के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, वो आया है CFSL और FSL से श्रद्धा के DNA रिपोर्ट को लेकर। मिली जानकारी के मुताबिक आज जल्द ही श्रद्धा की DNA रिपोर्ट आ सकती है, साथ ही आज नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी आने के आसार लगाए जा रहे हैं। बता दें कि लगातार पुलिस की निगरानी में आफताब को रखा जा रहा है। 24 घंटे आफताब को CCTV फुटेज के जरिए उस पर पुलिस निगरानी लगाए हुए है, उससे चारों तरफ से कैमरों में घेरा जा चुका है, लेकिन अभी भी आफताब का इराज छुपा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही पुलिस अब आफताब के परिवार तक भी पहुंचने वाली है। CFSL की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज शाम तक श्रद्धा की DNA रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाएगी। सूत्रों की माने तो शायद CFSL जब रिपोर्ट यहां पर सौंपेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी जांच की कार्रवाई को एक नए मोड़ पर ले जाने के बारे में सोच रही है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।